अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आए एक ताज़ा और दिलचस्प वीडियो में आपको खुश आमदी। सुना है कि एक बादशाह ने अपने बिरादरी नस्बती की सिफारिश के ऊपर एक शख्स को वज़ीर मौसमियात मुकर्रर कर दिया। एक रोज़ बादशाह ने शिकार पर जाने से पहले अपने वज़ीर मौसमियात को तलब किया और उससे पूछा कि भाई मैं शिकार पर जा रहा हूँ तो आइंदा चंद रोज़ में मौसम का क्या हाल होगा। तो वज़ीर ने कहा कि शिकार पर जाने के लिए तो मौसम बहुत मुनासिब है, बहुत अच्छा है और अगले कई रोज़ तक ऐसा ही रहेगा और बारिश वगैरह का कोई इम्कान नहीं। बादशाह मुतमईन हो गया और अपने पूरे शिकार के सामान और अपने हमराहियों के हमराह शिकार पर रवाना हो गया। रास्ते में बादशाह को एक कुम्हार मिला। कुम्हार ने बादशाह से कहा कि हुजूर, आपका इकबाल बुलंद हो, इस मौसम में आप शिकार को ना जाएं तो बेहतर होगा, कुछ ही देर में मौसम ख़राब होने वाला है। बादशाह ने कहा कि तुम गधे पर बर्तन लादकर बेचने वाले, तुम क्या जानो कि मौसम क्या है। मेरे वज़ीर ने तो अच्छे मौसम की पेशगोई की है और शिकार के लिए नहायत मौजू बताया है। बादशाह ने एक मसाहिब को हुक्म दिया कि इस बेपर की छोड़ने वाले को दो जूते लगाए जाएं। गरज के बादशाह उसको सजा देकर और शिकार के रास्ते पर जंगल की जानिब रवाना हुआ। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बारिश ने आ लिया और बादो बारा की वजह से हर तरफ जल थल हो गया, हर तरफ कीचड़ और दलदल। ऐसे में क्या खाक शिकार होता। बादशाह ने वापसी की राह ली और महल में पहुंचते ही वज़ीर मौसमियात को बरतरफ कर दिया और कुम्हार को इनाम व इकराम से नवाजा और उससे पूछा कि भई मैं तुमको वज़ीर मौसमियात बना दूं तो कैसा रहेगा, यानी उसको वज़ीर मौसमियात बनने की पेशकश की। कुम्हार हाथ जोड़कर बोला, हुजूर कहाँ वजारत, कहाँ मैं जाहिल अनपढ़ कुम्हार, मुझे तो सिर्फ बर्तन बनाकर गधे पर लादकर बाज़ार में फरोख्त करना आता है और मौसम के बारे में कतई कुछ इल्म नहीं। हाँ, अलबत्ता ये है, मेरा गधा जब कान ढीले करके लटकाए तो इसका मतलब यह है कि बारिश ज़रूर होगी और मेरा तजर्बा है कि कभी मेरे गधे की पेशगोई गलत नहीं हुई। ये सुनकर बादशाह ने तारीखी फैसला सुनाया और तारीख़ी फैसला सुनाते हुए कुम्हार के गधे को अपना वज़ीर मौसमियात मुकर्रर कर दिया। मौरखीन का कहना है कि गधों को वज़ीर बनाने की इब्तिदा तब से हुई। हाँ, तो दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। जानिसार अख्तर साहब का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, बहुत बेहतरीन शायर। आज उनकी गज़ल पेश खिदमत है। अशआर मेरे यूं तो ज़माने के लिए हैं, कुछ शेर उनको सुनाने के लिए हैं। सोचो तो बड़ी चीज़ है तहजीब बदन की, वरना ये फ़कत आग बुझाने के लिए हैं। देखूं तेरे हाथों को लगता है तेरे हाथ, देखूं तेरे हाथों को तो लगता है तेरे हाथ, मंदिर में फ़कत दीप जलाने के लिए हैं। ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी ऐसी ही खूबसूरत वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आइंदा आने वाली ताज़ा वीडियो आपको बरवक्त मिल सके। इसके साथ ही आपका दोस्त आपसे विदा चाहता है। अल्लाह हाफिज़।